आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। जामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर भुरभुरी नदी को पार करने के लिए रंगदारी की प्रक्रिया से गुजरना होगा, ऐसा रवैया बन गया है यहाँ के स्थानीय युवाओं का। नदी पार करने के दौरान हुई परेशानी को लेकर रागीर दोपहिया वाहन चालकों ने बताया कि यहाँ वाहन चालकों से 20 रुपए प्रति वाहन की रंगदारी की मांग की जाती है, नहीं देने की स्थिति में गाली गलौज कर मारपीट करने के उद्देश्य से पीछा करने से नहीं चूकते हैं यहाँ के युवा। युवकों की मनमानी से तंग आकर वाहन चालक नंदकिशोर सिंह, इंद्रपाल, सोहन सिंह, सुनील कुमार ने इस तरह की रंगदारी पर प्रशासन से लगाम लगाने की मांग की है। यहां बता दें कि करीब 8 महीने पहले ही भुरभुरी पुल क्षतिग्रस्त हुआ है और तभी से ही युवाओं का रंगदारी वसूली चल रही है। रोज रोज की रंगदारी की मांग से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दुमका से सुतिब्रो गोस्वामी की रिपोर्ट। आप लोग का क्या समस्या हो पुल पार करने में, नदी पार करने में? नदी से नीचे से हम लोग आते हैं तो ये तो रोज का, हम लोग रोज जाते हैं, अपना ब्लॉक जाते हैं, लेकिन ये लोग 20 रुपया करके तहसील करता बोलता, हम लोग साफ करते सफाई करते हैं लेकिन करता कुछ नहीं है। ऐसे भी हम लोग तो भाई दुमका से आते हैं, 20 टका देना रोज संभव नहीं है, जाने में 20 टका, आने में 20 टका, और ऐसे जबरदस्ती पार हो जाते हैं तो फिर तंग करता है, और कोई समस्या नहीं है। इसलिए सब 20 रुपया बंद होना चाहिए या प्रशासन की तरफ से देना चाहिए।